أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا مولانا ومولى الكونين إمامنا وإمام القبلتين جدي الإمام حسن والحسين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من الأجمعين من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين ثم الصلاة والسلام على تجلي العظم وقامه البخائق الأقدم شجرة التور والكتاب المستور والنورا على نور في تخيد الدياجور علم الخدا ومجيل الأعمى والنور أبصار الورى وبابك الذي منه يؤتى الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا سيدنا وإمامنا حادي أهل أمة تعوسي بأهل جنة الإمام الحق الحادي المنتظر ولعنهم الله على أعدائهم يا عابد العابدين إمام الحجة الصاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم أجل فرجهم وسهل مخرجهم وقرب زمانهم وأهلك أعداءهم بقصرة أنصارهم وأعوانك اللهم انفعنا بحبي واشرنا في زمرتي وتحت لواء الحمد آمين يا رب العالمين صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وكتاب المبين وفرقانك المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددنا لكم القرعة عليهم وامدادكم بأموال والبنين وجعلناكم أكثر نفيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرين مؤمنات قنيزان زينب صوبران سيد مظلوم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف
उस रब के लिए सजावार है जो दो जहां का मालिक है, हमारा और आपका परवरदिगार है, जिसने हमें शुक्र के इतने मौके फरहम किए कि आज इस अनयूजुअल दौर में कि जहां पर हम और आप सोच भी नहीं सकते थे हमारी रसाइयां न पहुंच सके, वैसे में हम आज आपसे मुखातिब हो रहे हैं। मीलों का डिफरेंस है और इतने ज्यादा फासले होने के बावजूद हमें ऐसे लगता है कि हम आपके करीब हैं। तो ये मकाम शुक्र है कि अगर ये ना होता ये मसला आज जो दुनिया भर को अपने चपेट में लिया है, तो न ये ऐसी मजलिसें होती और न घरों घरों में ऑनलाइन मिलाद होते। हर घर में फर्श बिछ गया और हर घर में सहरा आती है। शुक्रगुजार हूँ कदीस का कि उसने ये प्रोग्राम मुनाकिद किए और हम सब जाकिरीन को और खुद भी इतनी मोतबर और बेहतरीन जाकिरा होने के बावजूद उन्होंने अपने जिम्मे ये प्रोग्राम्स न रखे बल्कि हम सब को इनमें इसके अंदर एक इन्वॉल्वमेंट दे दी। तमाम तारीफ उस रब के लिए सजावार है कि जो मेरा और आपका रखवाला है, जिसने हिदायत के दरवाजे इस तरह से खुले रखे और एक के बाद एक गुलशन फातिमा के घर से एक एक कली खिलती रही और हिदायत करती रही। जिस टॉपिक और आयत का इंतखाब किया गया है, आप सबसे ये टॉपिक आप वाकिफ हो गए क्योंकि पोस्टर्स, दुनिया इतनी छोटी हो गई व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए और तमाम सोशल मीडिया के जरिए हम हमारी टॉपिक को आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। महदी इन द नहजुल बलागा या हजरत महदी इमाम अली की निगाहों में। आइए जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम दिया, वालेकुम सलाम जी, मौसम कनाडा का कुछ इस तरह से है कि हम माइनस के डिग्रीज में से बैठकर आपसे मुखातब हो रहे हैं और तमाम तरह अभी हमारा दिन है तो आपकी रात है और यकीनन ये भी एक कुदरत का करिश्मा है कि हम और आप भले फासलों में दूर हो लेकिन दिल के करीब है। वालेकुम सलाम डियर सिस्टर्स, वालेकुम सलाम। सूरह बनी इसराइल में जो सूरा है, सबसे पहले तो चूंकि कुरान के बारे में इल्म रखना, कुरान से मोहब्बत रखना, कुरान से कुर्बत रखना साहिबान ईमान के लिए और खास तौर से जो अली वाले हैं कि जिनके लिए अल्लाह ने कहा कि मैं दो गिरा कदर चीजें छोड़ रहा, कुरान की से मोहब्बत और कुरान से एक लगन एक लगाव हमारे और आपके फरीजों में से है। तो आइए थोड़ा सा मुख्तसर एक बनी इसराइल का इंट्रोडक्शन किया जाए। 111 वर्सेस, 111 वर्सेस पर ये सूरा जमा हुआ है। सूरा अक्सरियत मक्की है, यानी इसकी आयतें मक्के में नाजिल हुई, कुछ आयतों को छोड़कर जो मदीने में आई। लफ्ज़ बनी इसराइल, ये सूरे का नाम इसरा भी है। इसरा इस वजह से कि रसूल की जब मेराज हुई तो आयत इस तरह से कह रही है, नाम इस आयत से डिराइव्ड है। इसे सूरे सुभान भी कहा गया बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द लफ्ज़ ऑफ सुभान अल्लादी। ये आयत मेराज के बारे में, बनी इसराइल की कौम के बारे में और रसूल की मेराज के, इसमें इसकी फजीलत यह है। अब ज़ाहिर है हम और आप हमेशा सोचते हैं कि मुझे ये मैं करूंगी तो इसमें मेरा क्या फायदा है। इस सूरे के पढ़ने से, इसकी सूरे की फजीलत यह है कि जो शबे जुमा में पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं, जब वो मर भी जाए तो उसे हजरत हज्जत की आर्मी में, उनकी लश्कर में उसे हिस्सा मिलेगा। वो इमाम की आवरी देखेगा, वो मर भी गया तो अल्लाह उसे अपनी कब्र से उठाएगा और सूरे बनी इसराइल की तिलावत करने वाले को इमाम के नूर से और इमाम की जियारत से मुशर्रफ करेगा।
سورہ جو آیت میں نے منتخب کی ہے ورس نمبر 6 ہے, ثم رددنا لکم, ہم تمہیں پلٹائیں گے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تم سے زیادتی کی ہے, اور ہم تمہیں مال سے اور اولادوں سے نوازیں گے کہ جو تمہاری اس میں مدد کر سکے. سب سے پہلے تو یہ اس میں کس کا ذکر آ رہا ہے, تو جب پوچھا گیا صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ صلوات اللہ وسلم سے, مولا سے پوچھا گیا کہ مولا تم مارددنا, ہم پلٹائیں گے تمہیں اور تمہاری مدد کریں گے, امداد کریں گے, تمہیں مال سے اور اولادوں سے امداد کریں گے. اور کس کی امداد اور کیا ہے مولا؟ تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی کچھ سورتیں, کچھ آیتیں محکم ہیں, کچھ متشابہ ہیں, سم آر کلیئر اینڈ سم آر ایمبیگوس. تو جو محکم و متشابہ میں سے, یہ وہ ان آیتوں میں سے ہے جہاں پر کلیریفیکیشن, جہاں پر اس کے اوپر الیبوریشن چاہیے, جو صرف اور صرف معصوم دے سکتا ہے. کیونکہ قرآن, یا تو قرآن جس کے سینے پر نازل ہوا وہ جانے, یا پھر جس کے سینے پر منتقل کیا گیا بعد رسول, جو علم منتقل کیا گیا وہ جانے. تو امام سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ یہ ہمارے آخری فرزند امام اسر و زمان اللہم صلی علی محمد و علی محمد کے بارے میں ذکر کر رہی ہے کہ پروردگار عالم انہیں پلٹائے گا اور مال اور اولادوں کے ذریعے مدد فرما کے اللہ اس کی, اللہ انہیں کہے گا کہ تم قصاص لے لو ان سے کہ جنہوں نے تمہارے نفسوں پر اور تمہارے تمہارے نسلوں پر جنہوں نے زیادتی کی, تم اس سے قصاص طلب کر سکتے ہو. آیت ہے حضرت حجت کے بارے میں, اور جب قرآن ذکر کرتا ہے, there are at least sisters in iman, there are at least 114 verses or more in each surah that talk about Hazrat Mahdi. ہر ایک قرآن کے سورے میں حضرت کا ذکر ہے, کہیں خفی ہے اور کہیں جلی, کہیں کہیں ان ایمبیگوس ٹونز ہے اور کہیں کھل کر ہے, کہیں اللہ نے حضرت بقیت اللہ کو بقیت اللہ کہا, کہیں منتظر کہا, اور کہیں اللہ نے چھپا ہوا خزانہ کہا, کہیں اپنا وعدہ کہا. آئیے یہ قرآن کی باتیں ہیں. نہج البلاغہ میں بھی میرے مولا امیر, کہ وہ امیر کہ جس امیر کے ذکر سے ہماری مجلسوں کو زینت ملتی ہے, وہ علی کہ جو اگر تخت پر بیٹھتا ہے تو امیر المومنین کہلاتا ہے, اور جو خاک پر بیٹھتا ہے تو بوتراب کہلاتا ہے, وہ میرے مولا امیر. اب کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں دیر آر سم ورسز کہ جس میں سرمنز ہے جہاں پر میرے مولا نے اپنے اس فرزند کا ذکر کیا ہے. اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو اٹس ایکچولی ویری آئی وڈ ارج یو ٹو رائٹ ڈاؤن دیز سرمن نمبرز سو دیٹ یو کین ہیو اے لک ایٹ دیم ان یور فری ٹائم. سرمن نمبر 91, خطبہ نمبر 91 میں ہے, پھر 148 میں ہے, اور 180 میں ہے. ویسے اور مقامات پر کچھ الفاظ یوز کیے گئے ہیں, لیکن یہ جو تین سرمنز کا میں آج ذکر کرنے کا میں نے جو چھوٹی سی کوشش کی ہے, اس میں پورا سرمن حضرت حجت کے بارے میں ہے. تو آئیے سرمن نمبر 91 کو دیکھتے ہیں. یہ جو خطبات ہے وہ رسول اللہ کے زمانے سے جو حضرت حجت کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا, اس ذکر کے اندر یہ تو امام علی فرماتے ہیں کہ جب سرمن نمبر 91 میں ابن حدیث معتزلی, جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے, وہ دوسری نمبر کی والیوم میں کہتے ہیں, یعنی یہ سمجھاتے ہیں کہ میرے مولا نے کیا لکھنا چاہا. یہ سرمن میرے مولا نے سب سے پہلے کس کو دیا؟ تو آڈینس کون تھا مولا کا؟ تو
तो ऑडियंस था सबसे पहले या तो जंगे नहरवान या जंगे जमल, दोनों में से एक के मुकाम के दरमियान ये इस जमाने में, यानी मौला वॉज डिस्कसिंग हजरत हुज्जत आइदर इन जंगे जमल और नहरवान, ये मोतजली का कहना है। ये सरमन में जो ट्रांसग्रेसर्स, अभी जो हमने सूरह बनी इसराइल में फासिक और फाजिर और जिन्होंने शरीयत को छोड़ दिया उनका जिक्र किया है, तो बनु उमैया के लानतुल्लाह अलैह के बारे में रसूलुल्लाह इमाम अली फरमाते हैं, यानी उन्होंने जो जो मिस्चिफ की, उन्होंने जो जो शर फैलाया, इमाम अली उस शर का रेफरेंस दे रहे हैं कि ये शर पे शर करते गए, लेकिन कब ये शर को कौन किस इंतकाम लेने वाला है, इनके तमाम हसद का, इनके निफाक का, इनकी हिपोक्रेसी का कौन इंतकाम लेगा, तो फिर मेरे मौला ने जंगे जमल और नहरवान में इनका जिक्र किया, या तो जंगे जमल या नहरवान। मौला सेज, अब यहां पर इमाम अली फरमाते हैं कि इतने मजालिम आए, इतने तशद्दुद के साथ जुल्म किया गया, शदीद जुल्म किया गया, लेकिन इन तमाम और इतनी चालें चली गई, इतनी साजिशें रची मेरे खिलाफ, कहा कि कोई और होता, इमाम अली का कौल कि अगर कोई और होता तो उसके कदम लड़खड़ाते, मेरे अलावा कोई ऐसी साजिशों में ठहर नहीं पाता, लेकिन मैं अली मैंने इस्तकामत दिखाई। यहां पर रुककर मैं पूछूं मौला से कि मौला आप किस साजिश की बात कर रहे, कौन से हवादिस की बात कर रहे, कहा कौन से खौफनाक ऐसे वाकयात गुजरे, कौन सी नाफरमानी की लहरें थीं, Which disobedience you faced? तो या मौला आपने वो disobedience face की, वो नाफरमानिया कि आपके हुक्म देने पर ये मुआविया से लड़ने के लिए खामोश रहे और इन्होंने मना कर दिया आपको, क्या ये refusal था कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मौला? हम सवाल करें ईमान से, मौला was it this disobedience कि जब आपने कहा कि उठो और मुआविया के लश्कर से जंग करो तो लोगों ने इनकार, आपके साथ जो थे वो इनकार किए। और यहां पर रुक कर हम ये बात समझा दें कि ये जो इनकार था वॉज द इनकार टू द हुज्जत, यानी इमाम वक्त वो जमाने का जो था उससे इनकार, यानी इमाम से डिसोबीडियंस थी। मैं यहां रुक कर मेरी बहनों से कहूं, कहीं हम में वो चीजें पाई जाती हैं कि जो हम अपने हजरत से डिसोबीडियंस की कोई, या फिर हम नाफरमानी करते हैं? जरा सोचे, वहां पर उन्होंने अपने इमाम की नाफरमानी की कि मौला, कि जब मौला ने हुक्म दिया ये नहीं लड़े, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मौला हमें ये जंग का हुक्म नहीं कोई और हुक्म दे रहे और हम हुक्म की नाफरमानी करते हैं। इट इज अ टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड पॉन्डर। ये लॉकडाउन लॉकडाउन है, हम अकेले हैं, हम तन्हा है, ना कारोबार की बाहर निकलने का, ना सोशलाइजिंग है, तो क्यों ना हम तदब्बुर करें, क्यों ना हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि रियली आर वी ऑल्सो डिसोबेइंग द इमाम? या फिर ये जमल की बात है जहां पर तलहा और जुबैर जैसे जिन्होंने आकर के इमाम से खिलाफ मुखालिफत की, जमाने के हुज्जत की मुखालिफत की, इसके बाद अमीर अल मोमिनीन लोगों के सामने मुखातब होते हैं और क्या कहते हैं? इसके बाद इमाम फरमाते हैं कि यकीनन जब वाकई गुजर जाएंगे, हम भी दुनिया से चले जाएंगे, इसके बाद अल्लाह दुनिया को राहत में मुब्तला करेगा, दुनिया में लोगों को मुसीबतों से आजाद करेगा, और ये किसी और के हाथों नहीं होगा,
حتیٰ کہ ہمارے خاندان سے ہماری نسلوں میں سے حسین کے فرزندوں میں سے ایک آئے گا کہ جس کی ماں کو سیدت النساء العالمین کہا اور جس کے آخر کو حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و جلسل. اور اس کے بعد ابن حدید فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ اشارہ اس کے بارے میں ہے کہ جس کا اللہ بھی منتظر ہے. اب آئیے سرمن نمبر 148. سرمن نمبر 148 میں 148 میں بھی امام فرماتے ہیں, اے لوگو کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور ہر پرومسڈ ایونٹ بار بار مولا نے ایک ایسی ہونے والے واقعے کے بارے میں کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہا, یاد رکھو جب کوئی بھی ہمارے سے وابستہ ہوگا تو یاد رکھو کہ جب تک کہ وابستہ رہو اور تم وہاں پہنچو گے کہ جہاں پر ایک شمع روشن ہے, ایسا دیا کہ جس کی شمع کو اللہ نے تیل پلا پلا کر کے اس شمع کو روشن رکھا ہے, اگر تم ہمارے اس روشن دیے کو کے نقش قدم پر چلو گے اور جہاں پر وہ دیے کی روشنی جا رہی ہے تم جاؤ گے تو یاد رکھو یہ وہ آئے گا کہ جو بند گٹھیوں کو کھولے گا, جو غلام و قنیزوں کو آزاد کرے گا اور جن میں تفرقے ہیں ان کو یونائٹ کرے گا, اتحاد کروائے گا. کہا یاد رکھو یہ وہ میرا فرزند ہے کہ جس فرزند کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنون, یاد رکھو کہ جو اللہ کے پاس باقی ہے وہ سب سے بہتر ہے. اور کہا کہ تم اگر اسے یہ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ جو دیے کی مانند روشن ہے وہ اللہ نے اسے پوشیدہ رکھا, اللہ نے اسے غیب رکھا, ایسا غیب کہ دنیا میں ہر ایک چیز کی فٹ پرنٹس ملتی ہے, یعنی جب کوئی چلتا ہے تو اس کے نقشے پا ہوتے ہیں. ہاں اللہ نے اس کے نقشے پا کو بھی غیب رکھا ہے. اور جہاں پر یہاں پر معتزلی فرما رہے ہیں کہ یہاں جب میرے مولا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا is none other than حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کہا غیبت محمد و علی محمد, یہ امام کے غیب ہونے کا سب سے بڑا خطبہ کہ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم ڈھونڈو گے اسے وہ تمہیں نہیں ملے گا, لیکن اگر تم اسے یعنی کہ کوئی فزیکل جگہ اگر کوئی کہہ دے کہ میرے مولا یہاں پر ہے تو فلسفہ غیبت نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں مولا فرماتے ہیں ہاں تم اگر فزیکل رابطہ نہیں رکھ سکتے, تم نہیں دیکھ سکتے, تم نہیں پہنچ سکتے مولا کی رہائش تک, لیکن کہا ان روحوں کو پاک کرو تو پھر مولا خود تمہارے دروازے پر آ جاتے ہیں. امام کاظم نے کئی مرتبہ اپنی کتاب الغیبہ میں اور قائم اندر قرآن کے اندر یہ ملتا ہے اور بہار کی بھی والیوم 52 میں ملتا ہے کہ جہاں پر مولا نے امام کاظم نے اس امام کو کہا کہ یہ ہوت ترید, یہ غریب ہے, یہ ترید ہے یعنی یہ لونلی ون ہے, یہ آپ کے دروازے پر آتا ہے آپ اسے نہیں پہچانتے, تو روح کا رابطہ رکھیے. امام فرماتے ہیں کہ یہ غیبت کا سرمن. اب آئیے سرمن کے جس خطبے کو خطبے کا میں نے آپ کو زحمت دینی تھی اور اکثر جس خطبے کو بار بار علماء کرام یوں بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری اور امام کی قربت, جیسی ہم محبت امام علی سے کرتے ہیں ہم وہی محبت اور وہی انتظار امام کا کرے. تو کہتے ہیں کہ سرمن نمبر 128 سرمن ہے. اور پہلے یہ سرمن کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے دوں. کہتے کہ یہ جناب المودہ میں بھی ہے, در المنازم میں بھی ہے, اور اس میں امام مہدی کا ذکر ہے.
ये कब दिया गया तो कहते कि इब्ने अदीद मुतज़ली फरमाते हैं कि ये शहादत के पहले कुछ वक्त पहले का है, यानी 40 हिजरा के करीब। और ताज्जुब ना हो कि आज 1441 हिजरा है, 1401 साल पहले ये खुतबा दिया गया। और उस खुतबे में मेरे मौला कूफे की सेटिंग है, मस्जिद कूफा है, इमाम अली का शहर है। और पर्टिनेंट टू नोट दैट ये शहर जब इमाम जमान आएंगे तो अपनी दार हुकूमत कूफे को ही बनाएंगे। तो कहते हैं कि इमाम ने ये लोगों कूफे के लोगों के दरमियान ये सरमन दिया, ये खुतबा दिया और शहादत से पहले। अब जोदा इब्ने खुबैरा मखजूमी एक इमाम के सहाबी में से है, उन सहाबी ने इमाम के लिए एक पत्थर तैयार किया, एक ऐसा मुकाम तैयार किया मिसल मिंबर लेकिन पत्थर था, उस पर मेरे मौला खड़े हो जाते हैं। नौफ अल बक्काली फरमाते हैं कि मौला जोदा के बनाए हुए पत्थर पर, मतलब इकट्ठा किए हुए पत्थर पर मेरे मौला खड़े हो गए। अब मेरे मौला के लिबास का जिक्र आता है इसी खुतबे में, कहा कि मौला ने एक ऊनी ऊनी लिबास पहना था, एक आबा थी, और उनके कमरबंद जो था वो दरख्त के पत्तों का बना हुआ था, और इनके जो मौला ने नालैन पहनी थी वो नालैन भी पत्तों की थी, और मौला की पेशानी। अब ये नोट कर रहा है कि मौला किस तरह से नजर आ रहे थे, कहा मौला की पेशानी कसरत सुजूद के लिए की वजह से मौला की पेशानी ऊंट के घुटनों की तरह छिली हुई और सख्त थी, और मौला फरमा रहे थे। अब खुतबा स्टार्ट किया, हजरत फरमा रहे हैं सबसे पहले खुतबा क्या स्टार्ट किया, कहा कि जैसे कि हस्बुल आदत इमाम जब अपने लब को खोलते हैं तो ये लब खुलते हैं तो तमजीद तौहीद और तौसीफ खुदा के लिए, तो तौसीफ खुदा में कहा कि सबसे पहले अल्लाह की हमद सना की, और जब हमद सना अली करे तो सोचे कि तमाम कूफियों के दिल एक नूर से भर गए, एक नूर मिंबर पर खड़ा है पत्थरों के मिंबर पर, और वही नूर की जुबान से ऐसे लग रहा था कि खुदा की हम्द सना हो रही थी या फिर एक गुलशन बहार हो गई थी। जैसे मेरे मौला ने अल्लाह की सिफात बयान करना शुरू कर दी, फिर अल्लाह के लुत्फ की बातें की कि बताओ क्या कुछ नहीं है जो इस खुदा ने तुम्हें नहीं दिया, फिर अल्लाह की रहमतों की बातें की कि देखो अल्लाह ने तुम्हें कौन कौन सी नेमतों से नवाजा है, फिर उसके बाद खुद इंसान के क्रिएशन कि तुम्हारी आंखें हैं और तुम्हारे कान, और अल्लाह ने तुम्हें एक मुजस्सम कंप्लीट बनाया, तुम्हें हर चीज से नवाजा, और फिर हस्ब दस्तूर मौला के हर खुतबे में, एंड क्यों ना हो है भी तो ये इमाम अल मुत्तकीन है, ये तक्वे वालों का मौला इमाम और सरदार है मुत्तकियों का, तो खुद कैसे तक्वे का साहिब होगा। इमाम स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट तक्वा, कहा सबसे पहले कहा कि ऐ लोगों इत्तकुल्लाह खुदा से डरते रहो, और फिर कहा याद रखो हादिमुल लज़्ज़ात मौत को कहते हैं जो यकीनन आने वाला है, और फिर इस मौत को कैसे समझाया कि ये मौत हर एक को आएगी सुलेमान की जिक्र करके। सिस्टर्स टाइम टू पॉन्डर योर, आज ये दौर इस दौर में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, आज ही मैंने न्यूज में पढ़ा कि एक पुर्तगाल का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बैंकर था, बिलियनर था, तमाम तर कहते कि यूरोप की कोई सिटी नहीं थी कि जिसमें उसके पास घर माल असबाब गाड़ियां नौकर चाकर ना थे। उसकी बेटी लिखती है कि मेरे बाप को ये कोरोना वायरस हो गया, और जो नौकरों की एक बटालियन के पास के साथ रहने वाला
औलादों के साथ रहने वाला एक को पुकारे तो दस आ जाए, ऐसे माहौल में ऐसे दौलतमंद, कहा कि उसकी नोट की गड्डियां उसके लॉकर में पड़ी रही, उसके घर के अंदर नौकर चाकर कोई नहीं, मेरा बाप करोड़ों का मालिक लेकिन यकता और तन्हा मरा। यानी मौत एक हकीकत है, और गरीब को आ जाए, दौलतमंद को आ जाए। इमाम ने यहाँ पर हजरत सुलेमान का जिक्र किया, कौन सुलेमान? और फिर मौला ने क्या कहा, अगर हमें मौत से बचने का कोई तरीका होता तो हजरत सुलेमान वो पहले होते जो मौत को अवॉइड कर लेते, जो मौत को परे रखते। लेकिन सुलेमान को भी ये मौका न मिला। कौन सुलेमान? जो न सिर्फ दुनिया का मालिक था दुनिया में, लेकिन जिनो इंस का मालिक था, जिनो इंस के ऊपर सरदारी थी और हर एक के ऊपर सरदारी थी, वो खुद अपने नफ्स अपनी रूह को न बचा सका। हुक्म खुदा आता है तो सुलेमान जैसे को भी झुकना पड़ता है। एंड जब मौत में, मेरे मौला फरमाते हैं कि जब उसकी हयात खत्म हुई और जब मौत उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी, न उसका महल, न उसकी दौलत, न उसकी औलाद इस चीज को अवॉइड कर सकी। इसके बाद उनके वारिसों ने हर एक चीज को ले लिया और ऐ लोगों कूफा के, इसमें तुम्हारे लिए इबरत है कि तुम्हारी चीजें, तुम्हारी अम्वाल, तुम्हारी औलाद सिर्फ ये दुनिया की जीनत है और तुम्हारे वारिस इसके ऊपर हावी हो जाएंगे। फिर मौला फरमाते हैं कि याद रखो, मेरे मौला कहते हैं कि जब ये इमाम मौला फरमाते हैं कि जब ऐसा मौका आएगा कि आई विल सी, मैं मौला कहते हैं कि मैं ये देखूंगा। यानी यहाँ पर शहीद कभी मरता नहीं, शहीद जिंदा रहता है। ये हमें पता है सूरह आले इमरान के जरिए से कि मेरे मौला फरमाते हैं कि फिर हम देखेंगे कि जो अलम इस्लाम लेकर आगे बढ़ेगा, जब ये जमाना आएगा कि जब हर एक नफ्स अपने नफ्स के पीछे होगा, जहां शफकत करने वाले भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन होंगे, जहां सरों को काट कर पेश करना एक आम सा रिवाज हो जाएगा, जहां पर लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, ऐसे जमाने में वो आएगा। और जब वो आएगा तो फिर वो अपनी तलवार के जरिए वो बिछड़ी हुई भूली बिसरी सुन्नतों के ऊपर अमल करवाएगा। और कहा ये नबी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व शिफा। तो जिस तरह हजरत सुलेमान का जिक्र हो रहा था और हम कह रहे थे कि हमारे बच्चों की तरबियत के लिए हमें, हम तरबियत करते हैं, लेकिन ये वली खुदा होता है कि जो अल्लाह जिसको अपने हिकमत से, अपने इल्म से, अपनी तमाम जितनी भी अल्लाह के पास सिफात है वो सब वली में होती है। कहा कि जब ये मेरे मौला आएंगे तो कहा कि क्या क्या होगा इस इमाम के पास। कहा कि ये ज़मीन पर एक, ये ज़मीन ऐसे होगी कि जैसे कि एक ऊँटनी थक जाती है। दुनिया इतने खुलूस, सबसे पहले दुनिया से निकल गया होगा हिकमत, दुनिया में फसाद, शर और ऐसे ऐसे हवादिस से दुनिया गिरी होगी। कहा इस्लाम ज़ईफ़ और नातवा लगेगा, इस्लाम रुस्वा हुआ लगेगा, ऐसे रुस्वा लगेगा कि जैसे कि एक ऊँटनी जब थक जाए और ऊँटनी थक करके उसके गर्दन को निढाल कर दे, उसके पानी ख़त्म हो जाए, वो थक हार के बैठी हो। और कहा कि जब उसकी गर्दन ज़मीन पर गिर जाएगी, इस्लाम वही उसी तरह, वो गिरी हुई ऊँटनी की तरह कि इतना ज़ईफ होगा इस्लाम कि बस फकत चंद मुसलमान रह जाएंगे। और यही पेशन गोई रसूल अल्लाह ने की थी कि इस्लाम आइसोलेशन और सेक्लूजन में चला जाएगा, यानी इस्लाम के चाहने वाले कम होंगे। क्या आज हम इंडिया में देख रहे हैं हाल कि मुसलमान को किस तरह, अब ये नया, एक नई बात निकली खुद मुसलमानों में कि पांच वक्त
की अजान देने का क्या मतलब है, और सुबह 5 बजे अजान दी जाती है तो इस अजान से कितने लोग नमाजों के लिए जाते हैं। दीज आर द प्रोफेसीज ऑफ द प्रॉफिट। रसूल अल्लाह ने यही कहा था कि एक ऐसा जमाना आएगा कि जब इस्लाम को अलहदा रखा जाएगा सब मजहब से, आइसोलेशन में चला जाएगा, एंड एट दैट टाइम जब इस्लाम थक गया होगा कि जिस ऐसे कि इस्लाम विल बी अ नेम विच विल बी टेकन विद फियर विद हेट्रेड, ऐसे जमाने में हजरत आएंगे। और जब वो आएंगे तो कहा कौन होगा वो, तो कहा वो मेरा फर्जंद होगा जिसका नाम हुज्जत होगा। अब वो आएगा तो क्या लेकर आएगा, कहा कि उसके दिल में, अब इमाम कौन होंगे, तो इंशाल्लाह इसका कंटिन्यूएशन इस सर्मन का, क्योंकि इसके अंदर सर्मन में आगे ऐसी चीजों का जिक्र है कि दैट रिक्वायर अ डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन। तो इंशाल्लाह अगली बार जब मैं आपकी खिदमत में आ जाऊंगी तो इसी चीज का कंटिन्यूएशन होगा। लेकिन जब वो इमाम आएंगे तो कहा कि बहुत सारी चीजों को ही विल कम टू स्ट्रेटन द अफेयर्स, ही विल कम टू स्ट्रेटन द अफेयर्स ऑफ द पीपल। और सबसे बड़ी चीज को जिसको मेरे मौला स्ट्रेटन करने आएंगे, तो कहा वो किसा से करबला होगा, वो जन्नतुल बकी की उजड़ी मजारे होंगी। जब मेरे मौला आएंगे तो कहा जाता है कि सबसे पहले करबला के खून का किसास होगा जिसे रजत कहते हैं। मेरे मौला आएंगे और करबला में, तो कहा कौन था करबला में, कहा कि जब करबला मौला में हुसैन के कर्तन पर छुरी चल रही थी, जब आइमा ताहरीन के तमाम तर सीनों के ऊपर ये सबसे बड़ा बोझ है कि हुसैन करबला में प्यासा मारा गया, कहा कौन इमाम हुसैन, वो के जो 3 दिन का प्यासा था, वो जो अभी अभी अली अकबर के लाशे को उठा लाया है, वो के जिसने कासिम के टुकड़ों को, वो जो कासिम की लाश को गठड़ी में लेकर आया है, कौन हुसैन, वो के जो अभी अपने चश्माहे को पानी के इल्तिमास करते हुए मेरे मौला पानी के लिए अली असगर के लिए ख्वाहिश कर रहे, वो के जिसने बर्छी की अनी निकाली, वो के जिसने तीरों का सामना किया, लेकिन मैं कहूँ मौला वो मुसीबत कौन सी थी कि जब मेरे मौला आवाज आई अस्सलाम अलैका यबना या रसूल अल्लाह अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, मेरे मौला अमीर रसूल अल्लाह आपके फर्जंद की मुसीबत की ताजियत कबूल कीजिए या फातिमा ज़हरा। अजीजों आवाज आती है कि जब मेरे मौला के सलाम आया दरिया के किनारे से, जब आवाज आई दरिया के किनारे से, मेरे मौला ने कमर को थाम ली, अरे कौन है उसकी शहादत के जिसने मेरे मौला की कमर तोड़ दी। कहते हैं कि जब अब्बास का गिरना था, एक मर्तबा हुसैन जल्दी जल्दी तराई की तरफ पहुंचते हैं, राह में खड़े हो गए, एक मट्टी के दरमियान से कुछ उठाया, क्या था वो, जरी का एक हाथ था, मौला ने वो हाथ को कलेजे से लगाया, आगे बढ़े तो देखा दूसरा हाथ, जब दरिया के किनारे पहुंचे तो देखा कि अब्बास दरिया पर एड़ियां रगड़ कर, मेरे मौला की अभी सांसें बाकी है, हजरत सब देख रहे हैं, हजरत सब देख रहे हैं। कहते कि करबला का सबसे बड़ा अगर कोई रोने वाला है तो करबला की क्रिया करने वालों में हजरत उज्जत सबसे बड़े, सबसे बड़े शाहिद है, मौला की नजरों में करबला आम है। कभी फरात पे रोते
रोते हैं, कभी नशेब में रोते हैं, कभी काली असगर के मुकाम पे रोते हैं, ऐ करबला का मुंतकिब। कहते हैं कि जब हुसैन अली मेरे मौला अब्बास के लाशे पर पहुंचे तो एक मर्तबा मेरे मौला की रूह बाकी थी। लो अजीजो, मेरे मौला ने अपनी आबा से अब्बास की आंखों का खून पहुंचा। अजीजो दोस्तों, मैं क्या बयान करूं, बस इतना कहना है कि मौला अब्बास की इल्तिजा थी। मौला जब दुनिया में आया तो पहली मर्तबा तेरे चेहरे की ज़ियारत की थी। मौला दुनिया से रुखसत होता हूँ, मौला एक मर्तबा तेरी ज़ियारत करवा दे। आंखों से पहुंचा, खून को पहुंचा, मौला ने देखा, आंखें चार हुई। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अब्बास जब जब मैंने तुझे हुक्म दिया है तूने मेरे हुक्म का पालन किया है। अब्बास आखिरी तमन्ना एक है, अब्बास तूने मुझे जिंदगी भर कभी आका कहा कभी मौला कहा, एक मर्तबा भाई कहते अब्बास। अजीजो दोस्तों, लाशे अब्बास थर्राया। लो अजीजो, मेरे मौला अब्बास ने मदीने का रुख किया। अम्मा उम्मुल गवाह रहना, जमाने की हुज्जत ने मुझे हुक्म दिया है। हाय ज़बान खुली, ए भैया खुदा हाफिज़ होना से आएंगे मेहदी। उस तराई पर तड़पते लाशे का इंतकाम लेने आएंगे मेहदी, हुसैन का इंतकाम लेने। अला वलानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन, सयालमु लज़ीना ज़लमू अय्यम कलबियन कलबून। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बिज़न्बि क़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरी। परवरदिगार हमारी जानिब से इस कलील अज़ा को कबूल फरमा। पालने वाले इल्म का पहला मकसद होता है कि खुद अपनी ज़ात को, अपने नफ्स को पाक करना। उस इल्म से खुद पहले अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना। परवरदिगार आज जो हज़रत हुज्जत के बारे में हमें इल्म हासिल किया, पालने वाले हमें बेहतरीन से बेहतरीन मुंतज़िर बनने की तौफीक इनायत फरमा। मेरे मौला के आवरी में जल्द ताजील हो। परवरदिगार खुसूसन तेरी बारगाह में दुआ को है, हमें अपने दिल से हर एक नजासत और हर एक रज़ाइल गलाज़त को दूर करके खुलूस के साथ इमाम की आने के इंतज़ार में ज़िंदगियों को बसर करे। परवरदिगार जो बीमारों ने शफाए कामिला इनायत फरमा, ये अजीम मुसीबत के जिससे इस दुनिया को मुब्तला कर दिया है, पालने वाले इस अजीम मुसीबत से छुटकारा दे दे। परवरदिगार खुसूसन तेरी बारगाह में दुआ को है, हमें मकाम मुकद्दसात नजफ़ अशरफ करबला मौला जन्नतुल बकी ख़ासमैन सामर्रा क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस से हम महरूम है। परवरदिगार जल्द अज जल्द रास्तों को हमवार फरमा, हमें इमामों की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। परवरदिगार खुसूसन तुझे वास्ता तमाम मजालिम जो दुनिया में हो रहे हैं, उन तमाम साजिशें जो इस्लाम के खिलाफ रची जा रही है, परवरदिगार इन तमाम मजालिम के खात्मे के लिए सबसे पहले तो दुआ यह है कि तमाम जो भी साजिशें हैं उनको नाकामयाबी और नाकामरानी इनायत फरमा, और इन तमाम मदालिम के इंतकाम के लिए तेरी आखिरी हुज्जत इमाम असर व जमा के दुखूर में ताजील फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व लअना अदुफहुम।